नमस्कार, मैं हूं शशांक पांडे और आप देख रहे हैं NBC 24, जहां एक तरफ राजद के प्रमुख प्रवक्ता भाई वीरेंद्र बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अफगानिस्तान भेजने की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार को अफगानिस्तान का राष्ट्रपति बनाने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह RSS की तुलना तालिबान से करते हैं, कहते हैं कि RSS वाले तालिबान की तरह है। अब मामला गर्म हो गया है, राजनीति गर्म हो गई है, तो BJP के मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि जगदानंद सिंह की मानसिक संतुलन बिगड़ चुकी है, वो अपना इलाज कराएं और अपने पार्टी का ख्याल रखें। इस पर राजद के प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। नहीं, BJP के जो लोग हैं बौखलाहट में इस तरह की बात कर रहे हैं, पार्टी के देखने के क्रम में ही ये बात है। पार्टी देखने का मतलब क्या है, पार्टी का बिल्डिंग देखना, कि पार्टी का हमारा कार्यक्रम ही है कट्टरपंथियों से लड़ना, कट्टरवाद से लड़ना, सामाजिक न्याय विरोधी शक्तियों से लड़ना, यथास्थितिवादी से लड़ना। और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो कहा है वो तो मेरे समझ से और हमारी पार्टी के समझ से थोड़ा कम ही कहा है। हम लोगों की समझ, अध्ययन और अनुभव है डे टू डे लाइफ में कि RSS तालिबान से भी खराब है। तालिबान खराब है, वो भी शरिया के कानून की बात करता है, ये भी मनु के विधान की बात करता है, लेकिन तालिबानी जो है सिर्फ अपनी बात थोपता है एक सेंस में, और ये चालाकी से अल्पसंख्यक भाइयों को गाली देता है, अहम पिछड़ों दलितों का हकमारी करता है, हमारा हकमारी करता है। अभी देश में मुद्दा उठा हुआ है कि हमको गिनवा दो, जाति आधारित जनगणना करवा दो, जिसके जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी तय कर दो। तो कुछ लोगों का 10-15% लोगों को उठा के सब कुछ दे दिया, देश का खजाना अडानी अंबानी को दे दिया, ललित मोदी नीरव मोदी मौली चैक्सी को दे दिया, माल्या को दे दिया, मेहुली को दे दिया, और देश का कल कारखाना भी अपने मित्रों से बेच डाला। वो कभी नीतीश कुमार को अफगानिस्तान के राष्ट्रपति बनाते हैं और कभी जगदानंद सिंह कहते हैं कि RSS तालिबानी, दोनों ही। नहीं, मैं तो कहता हूँ, आप सुन नहीं रहे हो, मेरी बात को जाने दो। मैं कहता हूँ तालिबान से भी खराब है, अध्यक्ष जी ने थोड़ा कम कहा, वो उससे भी ज्यादा खराब है RSS। तालिबानी एक मुहा है, वो कहता है शरिया के कानून मानो नहीं तो मारेंगे, महिलाओं घर से मत निकलो, ये करो, और ये तो जो RSS है वो तो मुहा है, वो हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को भी गाली देता, मारता, मॉब लिंचिंग कराता है, बेटी रोती रहती है बाप को मारते रहता है, पत्नी मरती है पत्नी को मॉब लिंचिंग कराते रहता है, और हम पिछड़ों दलितों का भी हकमारी करता है, हमारा आरक्षण चिंता है, हमको गिनने नहीं देता है, हमारा हक नहीं देता है, ज़्यादा खतरनाक है। वो तो कहता है कि जो हमारा मानेगा शरिया का कानून सब हमारा है, तालिबानी कहता है, हम तो मानते हैं, हम तो हिंदू हैं, कहेगा कि हम हिंदू राष्ट्रवाद भारत राष्ट्रवाद, लेकिन मनुवादी राष्ट्रवाद के फेरे में है, तो ज़्यादा खतरनाक है मेरे समझ से। अध्यक्ष जी ने थोड़ा कम ही कहा। तो सुना आपने, राजद के प्रवक्ता ने साफ तौर पे कह दिया है कि जगदानंद सिंह ने तो अभी कम ही कहा है, RSS से अच्छा है तालिबान, RSS की तरह जुल्म नहीं ढाहता है। तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे NBC 24।